तुम क्या कर सकते, तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो। आप देख नहीं रहे कि कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा अशोक राव, बीजेपी में चला गया। बोलो उसके बारे में, बीटी नहीं बोलते उसको। कितने भाग भाग कर बीजेपी में जा रहे, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर जब अवैसी आकर सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल इंसाफ की बात करता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें, और हक की कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे। मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात को यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो जुल्म जारी रहेगा। हमारे वतन अजीज की हकीकत यही है कि जब तक तुम्हारी आवाज नहीं होगी तुम्हारा कोई पुरसान हाल नहीं हो सकता है। जब तक तुम्हारा नेता नहीं होगा कोई तुम्हारा काम नहीं कर सकेगा। अब कौन क्या करोगे तुम? ये जो दलाल फिरते हैं हमारी कौम के दलाल, अरे दलालों अभी तो अपना मुंह काला करके घर में बैठ जाओ। बरसों से धोखा दिया गया है, बरसों से धोखा दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार कह रही है। सुरजापुरी बिरादरी को नौकरी नहीं मिलेगी तो सेकुलरिज्म की कामयाबी है। शेरशाहबादी को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मोदी को रोका जा रहा है? कुलहिया बिरादरी को हिस्सा नहीं मिल रहा है मगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा? अरे शर्म करो, अपने बाप का नाम मिटिया।